हमारे राजू सैनी जी ने एक संस्था बना रखी है भारत कल्याण परिषद, जिसके माध्यम से बहुत सारे दिव्यांग भाइयों का सहयोग किया जाना आज उन्होंने सुनिश्चित कर रखा था और मुझे भी उन्होंने याद फरमाया, तो मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर आया। सबसे पहले मैं उन भाइयों को भी जो कमज़ोर तबके के या दिव्यांग भाई बच्चे हैं उनको भी और पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हरियाणा दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा, हरा भरा हरियाणा, उसी प्रकार से जिस प्रकार का इसमें भाईचारा था, जिन लोगों ने इसका भाईचारा ख़राब किया अपने स्वार्थों की पूर्ति, अपने सत्ता के भूख की वजह से पूरा हरियाणा जला दिया गया, उनके खुलासे कचहरियों में हो चुके हैं और वो दूसरों के सर आरोप मढ़ना छोड़ दें और हमारे इस कमज़ोर तबके के हितों के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें। जिन 52% लोगों को 12% में सिमेट दिया गया और कमज़ोर तबके जो 23% वाले हैं उनको 13-14% में सिमेट दिया गया, और जो दूसरे लोग हैं इस जातिगत भेदभाव की वजह से 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने 10% लोगों को लगभग 55 से 55% नौकरियां दे रखी हैं और 90% लोग सिर्फ 45% के अंदर सिमट दिए गए हैं। इस हरियाणा को दोबारा से हरा भरा बनाने के लिए जहां मैं सभी हरियाणा वासियों से प्रार्थना करता हूं कि 2019 के चुनाव में हम सब मुबारकबाद के तभी पात्र होंगे अगर हम अपने हरियाणा को एक बार फिर उसी प्रकार की पटरी के ऊपर डाल करके रखें जिस प्रकार से हम सारे देश में अग्रणी हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं दो जगह से चुनाव लड़ूंगा या तीन जगह से चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि करनाल भी मेरी जो है विधानसभा है और विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को अब भरोसा तो किसी के ऊपर भी रहा नहीं, क्योंकि उनको ये है कि यहाँ से हार गया, कभी वहाँ से ना हार जाऊँ, कभी वहाँ से ना हार जाऊँ। ये तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अब ये चाहिए कि 90 की 90 सीटें स्वयं अकेला लड़के उसके बाद अपना मंत्रिपरिषद तैयार कर ले, क्योंकि दूसरे लोगों को लड़ाने में और भी ज़्यादा खतरा है। जब मुख्यमंत्री की हार का की समस्या हो सकती है तो दूसरे लोगों का जीतना और भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन हम जाएँ किस और, लगभग 12 बार हमें कांग्रेस ने लूटा देश को और लगभग 3 बार चौटाला और 3 बार बीजेपी ने लूटा। इस प्रकार से देश हस्तप्रभ है कि किस ओर जाएं। इसलिए आज लोकतंत्र का ड्रामा हो रहा है। राज्यसभा के माध्यम से जो लोग कांग्रेस और बीजेपी सभी पार्टियों में, इस सदन से मंत्री परिषद बनाई जाती है और देश के अंदर जो वार्ड में पंच नहीं बन सकते वो इस देश को चला रहे हैं। उन लोगों को जन समस्याओं से क्या वास्ता, ना वो जनता में गए ना उनको जनता की समस्याओं का पता। इस सदन को निपटाने के लिए हम 2024 का संकल्प लिए बैठे हैं और 2019 में इस भेदभाव और दादागिरी को समाप्त करके हम एक बार अपने हरियाणा को हरा भरा हरियाणा देखना चाहें। सर, 4 साल बेमिसाल का नारा दे रही है बीजेपी, किस तरह से देख रहे? वाकई बेमिसाल रहे। 3 बार मिलिट्री आई और 4थी बार के लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि सारा प्रदेश सड़कों पर है। जो आज 50% लोग सड़कों के ऊपर, सारे सर्विस पेशा, आज सारे डिपार्टमेंट सड़कों पे बैठे हैं, ये सारा बेमिसाल ही हरियाणा है। हरियाणा ने किया कमाल, 4 साल बेमिसाल। सैनी साहब, क्या कहेंगे कि मोदी सरकार, जो मोदी का जो जलवा था 2014 में वो अब 2019 में देखने को मिलेगा? देखिए, मोदी जी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगर किसी सेनापति के नेतृत्व में कमजोर तबका फिर लूट जाए, जिसको बैकवर्ड का फेस बना करके मोदी जी को जमीन पे उतारा गया था, हम बैकवर्डों ने 90% वोट दिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं और सबका साथ सबका विकास के भाषण हो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी अलग पार्टी बना रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अब अपनी किस्मत आजमाएंगी। क्या लगता है कि आपको सरकार बनेगी? जिन लोगों ने ज़्यादा माल खा लिए अब उस माल के ऊपर हाथापाई हो रही है। अब हमारे यहाँ तो 3 बार सत्ता छोड़ी गई, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल और आज बीजेपी। हम लोगों को बहका करके राजनीति कायम करते हैं। हमने लोगों के लिए राजनीति 3 बार त्याग दी और आज भी हम लोगों के बीच में उस लड़ाई को लेकर खड़े हैं कि 100% आरक्षण हो, हर परिवार में 1 रोजगार हो, किसान मजदूर की इकट्ठी रोजगार नीति हो और हमारे दो के माध्यम से इस देश की आबादी कंट्रोल हो ताकि समस्याओं का निदान हो सके।